मजा नहीं आ रहा है। अरे कौन है रे गांडू, बंद कर आवाज। प्यारी समझ गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्टार्टिंग तो देखी नहीं होगी आपने, तो आज हम बात करने वाले भूकड़ दीदी मैडीट्स के बारे में, जिनकी वीडियो हेलो गाइस आई एम बैक से स्टार्ट होती है और आई एम फुल पर खत्म हो जाती है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। आज मैं करने वाली हूँ 50 सनी साइड अप एग चैलेंज। ये इधर मैंने 40 सनी साइड अप एग्स लिए क्योंकि मेरे टेबल पे ही नहीं आ रहे थे, तो मैंने साइड में रखे हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। क्या चैलेंज? पर चैलेंज जैसी बातें तो दो लोगों में की जाती है। मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। और यहाँ तो आपके अलावा और कोई भी नहीं है। ऐसे तो नहीं होता है। काफी दिन से मैडिट्स चैनल को देख रही हूँ और इसको देख के मेरे को बहुत ही अप्रितम, बहुत ही अद्भुत प्यार उमड़ रहा था मैडिट्स के ऊपर, तो सोचा क्यों ना ये प्यार मैं आपके साथ शेयर करूं, आपकी प्लेट में परोसूं। क्या बात, ये क्या बात करते हैं यार। अरे अरे, आराम से खा ले भाई, खाना कहीं नहीं जा रहा। इतनी बदसलूकी से खाने को मत खाया करो, कहीं खाना आपके साथ बदसलूकी कर दे। थैंक गॉड ऐसी आत्मा ने हमारे घर में जन्म नहीं लिया, वरना दो दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। खाना है ना, आधे घंटे में सफा चट हो जाता। आज मैं एक एक्सट्रीम चैलेंज करने वाली हूँ। आज मैं खाने वाली हूँ एक्सट्रीमली स्पाइसी चिकन लॉलीपॉप्स। सो गाइज, इधर 50 से भी ज्यादा लॉलीपॉप्स है। लेट्स सी मैं इसको फिनिश कर पाती हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइज वो तो सुना ही होगा आपने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बट इनके केस में अलग है, मुर्गी मुर्गी पे लिखा है मैरिट्स का नाम। मैं अगर मैरिट्स के सामने अगर दो बात रखना चाहूँ तो मैं यही रखूंगी कि आप इतने मुर्गे खाती हो, आपको जरा से फील नहीं होता कि आपके ऊपर पशु हत्याकांड का केस भी हो सकता है। माता जी। देखो गाइस, आपको भी लगता है और ये मुझे भी लगता है कि आखिर इतना खाना खाने के बाद इनका खाना जाता कहाँ है, पेट में कैसे जाता है? क्योंकि मात्र 4-5 रोटी एक बड़ा इंसान कितना ही खा लेगा, 7 रोटी ठीक है, ये भी ज्यादा बोल दिया मैंने, खा लेते हैं गांव के लोग खा लेते हैं। देखो इसके पीछे भी एक राज है, ये जो अपनी वीडियो शूट करते हैं हम तो देखते हैं 10 मिनट की, पर इनका जो शूट होता है वो पूरा दिन चलता है। अपने आप को पता नहीं कितने दिन तक खाली रखते हैं ये, कितना डाइट फॉलो करते हैं ये लोग, इनको कितनी दिक्कत होती है। ये जो निवाले खाते हैं ना सब भर भर के, उसके बाद इनको उल्टी करनी होती है, इनको काफी सारी दवाइयां लेनी पड़ती है और तब जाके इनको थोड़ा थोड़ा खाना पचाना पड़ता है, क्योंकि इतना खाना पेट भी नहीं पचा सकता। क्योंकि आपको ही पता है हमारा पेट 4 भागों में बटा हुआ है, गैस, पानी, खाना और पचाने के लिए भी चाहिए जगह, तो दवाइयों पे जी रहे हैं। और आने वाले टाइम पे इनका क्या होगा, ये पेट पकड़ के रोएंगे, ऑपरेशन होगा इनका। इनको इतना, इनको यही नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इतना खाना खा के अपने पाचन क्रिया को खराब कर रहे हैं। पैसों के पीछे कोई कितना ही पागल हो सकता है, इनको देख लो। अरे आंटी आप भी, मुझे तो लगा इस पांडा का डाइट का ख्याल आप रखती होंगी, पर यहाँ तो सारा परिवार ही भुक्कड़ है भैया। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति 2 रोटी 1 कटोरी सब्जी खाने के बाद सो जाता है, वहाँ हमारी मैडिट्स दीदी अपने परिवार का सुबह दिन शाम रात का खाना खा के ढकार तक। ओके गाइस, आई एम डन। बहुत ज्यादा स्पाइसी था करी एंड पूरी वाज सो यमी। गर्मी से और स्पाइसी से बिल्कुल लाल लाल हो गई हूँ मैं। आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है, आदमी चूतिया है। वॉर्डर निकल रहा है कि मतलब इतना देख लिया ना मैंने तो, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इतना खाने के बारे में मैंने सोचा भी ना, तो मुझे ना साइड में ये भी सोचना पड़ेगा कि कहीं मेरे माँ बाप को इनविजिबल जायदाद ना बेचनी पड़ जाए, समझ रहे हो?
समझ रहे हो, समझ रहे हो ना दीदी? अगर एक बार में इतना खाना खा जाओगी तो अकाल आ जाएगा दुनिया में, लोगों का क्या होगा, लोग भूख से मरेंगे। गांड फटे तो फटे, नबाबी न घटे। ये कौन सा सेंस है बे खाने का? आइए हम समझाता, आइए। सो आज मैं खाने वाली हूँ स्पाइसी होल फिश करी एंड सोया चंक वेज पुलाव, एक्स्ट्रा ग्रेवी पापड़। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सो गाइस, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मैं बस आपसे ये बात बोलना चाहूंगी कि ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है और जहां प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो प्लीज दिल दिमाग और जहन में ना किसी के लिए हेट ना भरे, आप उनकी वीडियो देखें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें आगे, और प्लीज मेरी वीडियो को भी लाइक करके जाइए।